नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। नागरिकता संशोधन बिल ने जब से कानून की शक्ल ली है, तब से अब तक इस कानून के विरोध में प्रोपेगेंडा फैलाने की मुहिम लगातार जारी है। इस भ्रम की आग में विपक्ष और वामपंथियों ने आग में घी डालने का काम किया है। जहां एक तरफ बीजेपी इस कानून को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वामपंथियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको मुद्दा बना रखा है। सत्ता की तरफ से इस कानून को समझाने के लिए रैलियां की जा रही हैं, तो वहीं वामपंथी और कट्टर विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग गुमराह करने के लिए माइक लेकर निकल पड़े हैं। लेकिन अब जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। इसी बीच जब एक चाचा माइक लेकर जनता को सीए पर ज्ञान देने के लिए पहुंचे, तो लोगों ने उनकी ऐसी क्लास लगाई कि चाचा को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। आइए आपको भी दिखाते हैं वो वायरल वीडियो, जिसमें चाचा आए तो ज्ञान देने थे, लेकिन जनता ने उनकी क्लास लगा दी। हम लोग इसके समर्थन में है। अच्छा तो ठीक है, इतना देश के अंदर में यहाँ से लेकर जाइए, अपना बाजा बुझिए। यहाँ पे सब कोई समर्थन में है सीएए के, कोई विरोध में नहीं है। यहाँ पे कोई विरोध में नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। एक भी आदमी नहीं है, नहीं। आप लगातार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ से गाड़ी ले जाइए, फॉर्च्यूनर सब ले जाइए यहाँ से गाड़ी। आप यहाँ से गाड़ी ले जाइए, यहाँ सब कोई समर्थन में है। समर्थन की विरोध की बात नहीं हो तो फिर किसी का विरोध कर रहे हैं कि हमारा एक पार्टी का अभियान ना तो इजा ना चली चौक ठीक है भाई। अगर आप लोग कह रहे हैं कि ना हम सुनेंगे ना हम बोलने देंगे, तो हम लोग जाइए। देश के विरोध वाला काम मत कीजिए, जाइए। आपको लग रहा है कि देश का विरोध है? ठीक है, चलिए गाड़ी हटे यहाँ से, चलिए। इस बात तो वादी होगा सर, भड़का रहे आप लोग, लेके भड़का रहे हैं। जाइए यहाँ से, भड़का रहे आप लोग। आप जाइए, आप प्यार से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। ये क्यों सब कोई समर्थन में बा? तो देखा आपने कि किस तरह चाचा अपनी बात कहने की कोशिश कई बार करते हैं, लेकिन लोग उन्हें ये कहकर भगा देते हैं कि हम सीए का समर्थन कर रहे हैं और आप यहाँ लोगों को भड़काने आए हैं। इसी तरह से आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। नागरिकता देने का सवाल नहीं है, सुन लीजिए, नागरिकता देने का सवाल नहीं है। नागरिकता देने के सवाल का कोई विरोध नहीं है। देश में जो रह रहे लोग हैं, उन नागरिकों को परेशान करने का सवाल है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, आपको डॉक्यूमेंट देकर के ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाचा की वीडियो और कन्हैया की वीडियो का आपस में क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि भले ही इनका आपस में कोई रिश्ता ना हो, लेकिन इन दोनों का मकसद एक है। इनका मकसद है कि जनता को भ्रमित किया जाए और खुद का प्रचार किया जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन चाचा को तो लोगों ने भगा दिया, लेकिन कन्हैया को एक युवा चेहरे के रूप में देखा जाता है, उन्हें तो लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन भले ही कन्हैया को लोग सुनना पसंद करते हों, लेकिन उन्हें एक युवा नहीं बल्कि वामपंथ के चेहरे के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा चेहरा जिस पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है, एक ऐसा चेहरा जिस पर राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा है। भले ही जनता चाचा की तरह कन्हैया का मुंह ना बंद करवा पाती हो, लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें चुनाव में वोट ना देकर ये जरूर साबित कर दिया था कि हम देश विरोधी बातें करने वालों को किसी कीमत पर चुन नहीं सकते, फिर चाहे वो भले ही उनके ही क्षेत्र का बेटा ही क्यों ना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।